हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी आने वाली है। तो 4800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी जो है मिस्टेक, जो भी सूचना आ रही है बहुत निराशाजनक है, जो लोग के पास CCC नहीं है उनके लिए हो सकता है। लेकिन अभी तक जो सूचना यही मिल रही है कि इसमें भी शायद CCC हो जाएगा, और इसमें जो है PG वालों के लिए ये वैकेंसी आ रही है। 4800 ग्रेड पे की है, लगभग 20 जनवरी के आसपास इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पे PG वालों को ही केवल अलाउ करेंगे, जो ग्रेजुएशन है उनको नहीं। इससे पहले जब वैकेंसी आई थी तो उसमें जो है 2010 के आसपास ये वैकेंसी आई थी, तो उसमें केवल PG मांगा था, और PG में भी जो है 8 साइट को मांगा था, यानी जो है सोशल वाले रहेंगे, ठीक है, सोशल वाले रहेंगे, इकोनॉमिक्स वाले रहेंगे, पॉलिटी वाले रहेंगे, और इन सब सब्जेक्ट और सोशल वर्क वाले रहेंगे, इन सब से MA यानी PG मांगा हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार जो सूचना मिल रही है उसमें यह है कि इसमें PG के साथ साथ CCC भी जो है मांगेगा। अगर CCC मांगता है तो बहुत सारे लोग इसमें बाहर हो जाएंगे। तो जो सूचना मिली, आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी योग्यता क्या है। ये है दोस्तों, अभी एक तो बात ये कंफर्म कि अभी जो है ऑफिशियल सूचना नहीं आई है आयोग की तरफ से। जैसे ही ऑफिशियल सूचना आती है तो हम आपको कंफर्म करके बताएंगे, लेकिन जो भी सूचना मिल रही है वो यही है कि इसमें जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में इस बार PG के साथ साथ जो है आपका CCC मांगेगा, वो भी DOEC से, ठीक है, जो CCC सरकारी वाला होता है वही मांगेगा। तो ये अभी एकदम ऑफिशियल नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो योग्यता है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी नगरीय या ग्रामीण के लिए क्या होगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय समाजशास्त्र या समाज कार्य, ठीक है, समाजशास्त्र, समाज कार्य, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि यानी PG होना चाहिए, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त के साथ कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा अनुमोदित CCC प्रमाण पत्र, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। और एक ज़रूरी सूचना यह देनी थी कि हम लोग जो खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO का एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्रम में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ऑनलाइन कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।